प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि एक हंस ने कैसे एक घमंडी कौवा का घमंड चूर चूर किया। प्रिय मित्रों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। प्रिय मित्रों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो हमें उम्मीद है कि आप भी कभी घमंड नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उड़ते हुए देख भरी नजरों से देखा और बोला, तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हो। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड बवंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नरहंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंचा जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो, क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठा कर वापस तट की ओर उड़ चला। तो प्रिय दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होता है जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हों, पर यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवा वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।